इस होटल में खसूसियत है कि कोई टाइम में ऐसा कोई जगह नहीं थी पहले, बहुत खूबसूरत जगह है। इधर दोस्तों के साथ आता है हम लोग, बहुत अच्छा मज़ा देता है, बैठने के लिए दिल चाहता है। अच्छा खूबसूरत जगह है, पीछे इधर के सारा पानी पानी नज़र आता है। ये अच्छी जगह है, मतलब क्वेटा में तो इस तरह जगह थे ही नहीं, बस अभी आते ही यहाँ पर होटल पिकनिक, मतलब यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि मतलब अच्छी जगह है ये पिकनिक के लिए, यहाँ पर तबीयत आते के हैं। लिए कैसी जगह है ये? तबीयत के लिए भी ये अच्छी जगह है, मतलब इंसान फ्रेश हो जाता है, मिलकर बातें करते बैठ जाते हैं यहाँ पर, मतलब ये अच्छी जगह है, यहाँ पर अच्छी जगह है, बस यही है। ये अच्छी जगह है, ज़बरदस्त जगह है। दूर से कोयटा से आते हैं, बाहर से आते हैं बंदे, इधर साफ़ सुथरा माहौल है, जैसे ये पानी वगैरह फर्स्ट क्लास अच्छा माहौल लगता है, इधर बैठने में पुरसकून माहौल है, इधर अच्छा खाना मिलता है और पिकनिक पॉइंट की जगह है ये, इसी वजह से आते हैं। माशाल्लाह जगह खूबसूरत है, ये पिकनिक पॉइंट है, पानी है, हवा ताज़ा हवा था इसमें, और खाना भी साफ है इसका, और पूरा कोठे में ऐसी जगह नहीं। हम लोग उधर से सरयाब से इधर आता है तो एक अपना सुकून के लिए आता है, इधर बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को। ज़बरदस्त जगह है, फ्रेश जगह है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नईम शहजाद है और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। तो जगह के हिसाब से बात करें तो कोयटा में मेरा नहीं ख्याल था कि इस तरह का कोई होटल होगा या कोई रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे इस तरह अच्छे माहौल में बैठ के हम जो है वो लोग जो हैं वो खाना खा सकेंगे। तो इट इज़ लवली प्लेस, इवन इस्लामाबाद में भी शायद इस तरह का कोई भी प्लेस जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखी। जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद ख़ान है। होटल का ये वजह है कि हम लोगों ने एक होटल बनाया कोयटा से 20 मिनट के फासले पर, ताकि लोग आउटिंग कर सकें। तो एक मनपरिद आइडिया के साथ मेरे बड़े भाई मोहम्मद आबिद ख़ान का कड़ा और ये हम लोग कुछ दोस्त ने हम लोगों ने मिलकर बनाए, सालिया में आलिम याखेल और मेरे बड़े भाई आबिद ने ये आइडिया लगाया था कि एक होटल लोगों को इन्वायरमेंट देने के लिए, एक पुरसकून माहौल देने के लिए, एक अलग माहौल में पुरसकून माहौल बनाने के लिए लोगों को हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट मुहैया किया है यहाँ पे। तो इसी की ये वजह थी कि लोगों को एक खुशी के लिए वो दे सके हम लोग आजकल की ये माहौल में, एक पुरसकून फिज़ा में लोग बैठ सके, एक माहौल में खाने पीने के यार दोस्त आ सके, इंजॉय कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने इस तरह का होटल आइडिया दे या हम लोगों ने एक नए अपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बस यही आइडिया था हम लोगों का।
एक मिनट आप रुक जाएं सर, कोई जल्दी नहीं है आप? वो काउंटर पर कोई नहीं, शायद भाई ने काम में भी आ रहा हूँ, इन लोगों को शॉट्स देने दें। Peanut.